ये आई है आपका, इफ आई इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब मैं आपको तीन टर्म्स बता रही हूँ बच्चे, वो तीन चार टर्म्स हैं, वो आपको मैं रिटन फॉर्म में दे दूंगी, जस्ट लिसन टू मी। इज इट क्लियर? यस। सबसे पहली टर्म आपकी होती है इन सेंटर। Ma'am, you are not audible. Your voice is not coming. Yes, ma'am. Headphone तोड़े। ठीक है। मैं आपको 3-4 टर्म्स बता रही हूँ। उन टर्म्स के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री में। Your first term is your in center. First term is in center. In center आपका क्या होता है? कोई भी अगर आपका ट्राइंगल है, ओके? ट्राइंगल के ये तीन एंगल्स होते हैं, अगर तीनों एंगल्स को हम बाइसेक्ट कर देते हैं तो वो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, राइट? दैट मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल, यस। तो हमने तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर दिया, तो बाइसेक्ट होने पे जहां पे तीनों बाइसेक्टर्स मिलेंगे उस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलते हैं, और इसको मोस्टली आई से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? इन सेंटर क्या होता है? Yes, ma'am. मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। नेक्स्ट आपका आता है, यस मैम, मैं ये शेयर कर दूंगी बच्चे आपके साथ, अभी आप एक स्नैपशॉट ले लेना जब मैं पूरा बता दूंगी, अदरवाइज मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी एक। ओके मैम, टू सेंटर। यस वेदांत मैम, ऊपर का समझ में नहीं आया वो इन सेंटर। बच्चे तीनों एंगल, हम तीन एंगल्स हैं ट्राइंगल के, तीनों एंगल्स को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करोगे तो आप किसी लाइन से बाइसेक्ट करोगे, वो तीनों लाइंस जहां पे मीट करेंगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। नहीं बच्चे, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, याद रखते। कृष्णम सॉरी। ओके, ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं? तीनों, जैसे तीन आपके साइड्स हैं, आप तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ओके, तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कहां पे मिल रहे हैं? परपेंडिकुलर यहां पे मिल रहे हैं, राइट मैम? सेंटर में, यस। सेंटर नहीं होता है, वो दिख रहा है अभी सेंटर पर, एग्जैक्टली सेंटर नहीं होता है। ओके, तो इसको आप ओ से डिनोट करते हो, दिस इज कॉल्ड योर ऑर्थो सेंटर। मैम फिर हमें उसे कंपास से, मैम फिर हमें उसे कंपास से, बच्चे आपको ये चीजें एज्यूम करके चलनी होती है, उनके फैक्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड थिंग आती है आपकी सरकम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर, देखिए अभी तो हमने सिर्फ क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, राइट? तीनों साइड्स पे, लेकिन सॉरी ये मैंने आपको सेंटर, नहीं बच्चे जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मैंने ऑपोजिट बता दिया आपको, जो ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब हम साइड्स पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी साइड्स बाइसेक्ट हो जाती है सभी साइड्स, तो दिस साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके, तो ये आपका होता है सर्कम सेंटर, ठीक है? ऑर्थो सेंटर आपका क्या होता है? तीन साइड से, तीनों साइड से, तीनों वर्टेक्स से आप ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जिस पॉइंट पे हम मिलेंगे वो आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ये सर्कम सेंटर होता है। यस मैम, कहां से हिट कर दो? देखिए बच्चे, जो तीन वर्टेक्स होते हैं ना आपके ट्रायंगल के, तीनों पॉइंट्स होते हैं,
उन पॉइंट से आपको ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. मैम तो ऑर्थोसेंटर आ जाएगा. यस, तो जहां पे वो तीनों तीनों मिलेंगे उन तीनों को आप क्या बोलते हो, उस पॉइंट को क्या बोलते हो आप? ऑर्थो सेंटर बोलते हो. ऑर्थो सेंटर. मैम सेकंड वाला रिपीट कर दो. हम सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर में क्या है बच्चे, कि जो तीनों साइड्स है उनका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तीनों साइड्स का. ओके, आपको एग्जैक्टली ये पेपर में ड्रॉ नहीं करना होता है, जस्ट आपको एज्यूम करना होता है. अगर आपको दिया गया कि ओ ऑर्थो सेंटर है तो दैट मीन्स वो यहाँ से परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी. जो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है किसी साइड को, वो दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. नेक्स्ट लास्ट पार्ट है आपका फोर्थ, विच इज योर सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड आपका क्या होता है, देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक होता है मीडियन. मीडियन क्या होता है, जो वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और जो ऑपोजिट साइड है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मीडियन. ओके, ऐसी आप तीनों जब मीडियंस ड्रॉ करोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. और मैं उससे ले रही हूँ ये, और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी. राइट, हमने तीनों मीडियंस ड्रॉ किए तो ये मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट होता है ये हमारा होता है सेंट्रॉइड. ओके, आप इसको एज कुछ भी ले सकते. ओके, और ये सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ये हमने मीडियन ड्रॉ किया है ये इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. दैट मीन्स ये वाला जी, आप इसको ए बी सी डी ई एफ, तो ये जी आ गया आपका पॉइंट. तो ए जी इज टू जी डी, आपका रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा. ऐसे जी सी इज टू, यस मैम, मीडियम वो होता है मतलब कि जो एक वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल को मिड पॉइंट में अपोजिट साइड में डिवाइड करे. यस, ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे वो कट करता है. ओके मैम. ओके, तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ इनके बेसिस पे. देखिए, आई आपको इन सेंटर दिया गया, दैट मींस इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट. राइट, अगर yes, कभी भी आपको देखिए दो क्वेश्चन आएंगे आपके पास, दो क्वेश्चन आएंगे इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर और वो उसी टाइप से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योमेट्री का. ओके, दीज आर योर एंगल बाइसेक्टर, तो वो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि वो यहाँ आई पे मीट कर रहे हैं. राइट, आई हमें इन सेंटर दिया गया एबीसी का और आपको ये वाला एंगल दिया जाएगा पेपर में 60 डिग्री. तो आपको ये बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा. ये आपको डायरेक्टली याद रखना है. अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स है तो एंगल बीआईसी कितना होता है, 90 + एंगल A/2. ओके, तो कितना आ जाएगा, 90 + 30 विच इज इक्वल टू 120. अगर आप करना चाहते हो तो आप इसको एक्स वाई लेके भी कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट. आप इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, तो ये भी वाई होगा, ये भी वाई होगा. तो एक्स पर 2x + 2y कितना होगा आपका, 120 हो जाएगा. तो यहाँ से x प्लस वाई आपका 60 आ जाएगा. अगर x प्लस वाई 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा. यस गजेंद्र, गजेंद्र योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी. बच्चे आप सबको ऑडिबल है, फॉर ऑडिबल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पता. ओके बच्चे, यस कंगना, अब ये वाला फिर से रिपीट कर दो. बच्चे आपको मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताया, आपको यही याद रखना है. ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं अगर एंगल बाइसेक्टर है आपका. मैम ये वाला क्या किया, 2x + 2y, ये बता रही हूँ बच्चे. देखिए ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाले दोनों भी इक्वल होंगे, तो हमने उनको x और y ले लिया.
तो ये अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल पे एंगल हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 2x प्लस 2y प्लस 60 180 के इक्वल होगा, तो दैट मीन्स 2x प्लस 2y किसके इक्वल 120 के इक्वल होगा, वहां से आपको x प्लस y 60 मिल जाएगा। अब आप छोटे वाले ट्राइंगल पे एंगल हम प्रॉपर्टी लगाइए, x प्लस y प्लस BIC एंगल कितना 180 होगा, तो वहां से आपको BIC कितना मिल जाएगा 120 मिल जाएगा। यस मैम वही है मैम, मुझे वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ओके मैम ओके नेक्स्ट, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखिए अभी मैंने आपको तीन चार टर्म्स बताई थी, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड एंड योर इन सेंटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल जब भी होता है तो वो सभी पॉइंट्स एक ही सेम पॉइंट पे होते हैं। ओके इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मैम। मैं बोल रही हूँ मैंने अभी आपको जो चार टर्म्स, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम अभी भी, अभी सुनोगे तब आवाज आएगी आपको। मैं बोल रही हूँ कि जो भी मैंने अभी चार टर्म्स आपको बताई थी, सेंट्रोइड, मीडियन, सॉरी सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो सभी चीजें कोइंसाइड करती हैं, सभी एक ही पॉइंट पे होती हैं। ओके नेक्स्ट थिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब भी आप तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ इक्वल होती है सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल मेजर 3 and 5, ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट एंगल जिन साइड्स में है वो 3 and 4 है साइड, तो ये साइड कितनी होगी 5 होगी। अब आपको बताना है रेडियस ऑफ द इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब क्या होता है कि इस ट्राइंगल के बीच में ऐसे एक सर्कल बनेगा। ओके और ये उसकी जो आर होती है ये उसकी इन रेडियस होती है, आर जिसको आप बोलते हैं। ओके राइट एंगल ट्राइंगल में ये इन रेडियस फॉर्मूला क्या है होता है इसका, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2। परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस आपका 4 है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज 7 माइनस 5 बाय 2, 2 बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। तो इन रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। यस कंगना यस मैम। Yes, Krishnam. मैम इसमें आपने मैम क्वेश्चन में तो मैम नहीं दिया है 5, तो मैम आपने 5 कैसे राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है मैम, आप बीच बीच में बच्ची मैं बोल रही हूँ। जब राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल में आप अगर आपको दो साइड्स दी गई है तो आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं पाइथागोरस थ्योरम से? यस मैम। तो वैसे ही हमने वो कैलकुलेट किया है। ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखना है, इन रेडियस क्या होता है, इसे ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनता है और उस सर्कल की रेडियस को हम इन रेडियस बोलते हैं। ओके मैम। नेक्स्ट, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने सर्कम सेंटर बताया था क्या होता है अभी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दैट मींस बाइसेक्टर्स का, परपेंडिकुलर्स का नहीं होता, सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम वर्टिसेस ये आपका सर्कम सेंटर होता है, सॉरी ऑर्थो सेंटर होता है, मीडियंस का मीटिंग पॉइंट आपका सेंट्रॉइड होता है, तो किसका होता है सर्कम सेंटर, बाइसेक्टर्स का होता है। Yes. अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, आपको ये देखिए एंगल बाइसेक्टर दिए गए हैं बीओ और सीओ, अभी ये क्या दिए गए आपको,
एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, लेकिन प्रॉपर्टी तो एंगल बाइसेक्टर वाली हम लगाएंगे उसी टाइप से। तो ऐसी जब भी आपकी होगी एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स आपको दिए गए हैं, वो ऐसे पॉइंट है और आपको ये एंगल निकालना है बीओसी, तो इसमें आपका एंगल बीओसी होता है 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाय टू। एंगल ए आपको 40 दिया गया, दिस इज गिवन एज 40, तो एंगल बीओसी कितना आ जाएगा आपका 90 माइनस 40 बाय टू विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपको ये दिया गया है बी ए डी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया जाता है कभी भी, और आपको इस साइड का ए बी आपको दिया गया है 4, ए सी आपको 5.2 दिया गया, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ए डी, इफ ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, ओके, तो आपका साइड्स का रेशियो देखिए, ए बी और ए सी का रेशियो, बी डी और डी सी का रेशियो इक्वल होता है, तो ए बी आपको कितना दिया गया 4, ए सी है 5.2, बी डी है आपका 3, एंड डी सी आपको फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको डी सी फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स, तो यहां से जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे सो यू विल गेट 3.9 एक्स आ जाएगा आपका, लेकिन आपको बीसी की वैल्यू बतानी है, बीसी कितना आपका 3 प्लस एक्स है, तो इट विल बी 3 प्लस 3.9 व्हिच इज इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। ओके ओके, ये कॉन्सेप्ट्स बच्चे मैं बता रही हूँ, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज इन सेंटर क्या होते हैं, इन सेंटर हमेशा सभी ट्राइंगल के ना बीच में ही होता है, बाहर नहीं होता इन सेंटर। ऑर्थो सेंटर आपका बाहर हो सकता है, सर्कम सेंटर हो सकता है बाहर, लेकिन इन सेंटर आपका बाहर नहीं होता है। ओके, सभी ट्राइंगल्स में इन सेंटर आपका हमेशा सेंटर सर्कल के अंदर ही होगा और ट्राइंगल के अंदर होगा। तीनों सभी पॉइंट्स देखिए कौन से ट्राइंगल में कोइंसाइड करते हैं सभी पॉइंट्स, मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है वो से, तो राइट मैंने आपको बताया था सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसा होता है कि सभी पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं, तो दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी एंड एसीबी, तो दैट मींस एबीसी है ये, तो इसका ए बी सी का और ए सी बी का इंटरनल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर मीट ईच अदर एट ओ, बी ओ सी, अब आपको ये वाला एंगल दे दिया 120 डिग्री, अब आपको ये वाला एंगल बताना है कितना होगा एक्स, तो 120 जो हमारा बी ओ सी होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस 90, एक्स बाय टू प्लस 90 होता है। आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री आ जाएगा। यस मैम, नेक्स्ट, अभी ये सेम है, AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई है, AD अगर आपका एंगल बाइसेक्टर है तो आपको BD की वैल्यू 5 दी गई है, BC पूरे की वैल्यू आपको 7.5 दी गई है, लेकिन हमें रेशियो किस किस का होता है वो AB by AC equal to BD by DC होता है रेशो, तो हमें DC की वैल्यू अगर ये पूरा 7.5 है तो DC कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और आपको बताना है कि AB और AC का रेशो बताना है, तो AB by AC का रेशो आपका कितना हो जाएगा, BD 5 है DC 2.5 है, तो रेशो कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।